अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबरियाज और आप सीख रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो हमारी एक ऐसे प्रोग्राम पे है जिसमें हमने तमाम ASCII वैल्यूज़ और उनके क्रॉसपॉन्डिंग करेक्टर्स जो है वो शो करवाने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ASCII वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 255 तक जाएगी। प्रोग्राम बहुत आसान है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। इसमें हमने करना क्या है कि हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाना है। इंटीजर वेरिएबल हम बनाते हैं ए से ए फॉर ASCII वैल्यू, इसको हम असाइन कर देते हैं 0 वाइल की एक लूप चला लेते हैं ए लेस आर इक्वल टू 255। अच्छा, कहाँ तक लेके जानी है? इसमें आके हमने ए प्लस प्लस कर देना है। अब इसके अंदर आके हमने करना क्या है, एक ASCII वैल्यू शो करवानी है और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो करेक्टर शो करवाना है सामने ही। तो एक सी आउट लिख लेते हैं। अच्छा, सी आउट से पहले जो है ना, लूप चलाने से पहले एक ऊपर हेडिंग देते हैं, मैसेज देते हैं, वो भी सी आउट में होगी। सी आउट लिखते हैं, सी आउट में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आके मैंने क्या किया, ए एस सी डबल आई ASCII वैल्यू, उसके बाद बैक स्लैश टी का इस्तेमाल किया। बैक स्लैश टी के बाद मैं लिखता हूँ करेक्टर और उसके बाद न्यू लाइन, ये ऊपर उसके हेडिंग आ जाएगी ना। ये वैल्यू हटा देते हैं, अकेला ASCII कर देते हैं, उसके सामने करेक्टर है। अच्छा, इसमें अब ASCII वैल्यू के नीचे जहर ASCII वैल्यू ही शो होगी। इसके बाद इस प्रोग्राम को मज़ीद डेकोरेट करने के लिए हम ये थोड़ी सी जो है लाइन लगा देते हैं, प्रोग्राम मज़ीद खूबसूरत बन जाएगा ना। अब पहले ASCII वैल्यू किस में है, सिंपली एक अंदर ASCII वैल्यू है और उसके बाद हमने टैब देना है बैक स्लैश टी। टैब देने के बाद हमने क्या करना है, इस ASCII वैल्यू हमने करेक्टर जो है वो शो करना है। मैं कास्ट ऑपरेटर यूज़ करते हुए इसको चेंज कर लेता हूँ ASCII वैल्यू को करेक्टर में, और साथ ही साथ एंड लाइन जो है वो इसको कर लेते हैं। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट। अब इसको रन करके टेस्ट करते हैं। प्रोग्राम को रन करके टेस्ट किया, प्रोग्राम हमारा रन हो गया। मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ कि ये सारी इसकी आउटपुट आ रही है। इसको हम स्टार्ट से अगर देखें तो क्या है कि सबसे ऊपर मैसेज आ रहा है ASCII और उसके सामने करेक्टर, ये ASCII वैल्यू और उसके सामने ये करेक्टर है। ये ज़ीरो, इसके सामने कोई जो है वो करेक्टर शो नहीं हो रहा, बाकी ये वन सो ऑन सारे उसके सामने कोई करेक्टर शो हो रहे हैं। मैं आपको जो ही कोई जो है वो फेमस करेक्टर और उसके ASCII वैल्यू दिखाता हूँ। ये देखें, 65 है और उसके क्रॉसपॉन्डिंग ए शो हो रहा है, 66 के सामने बी शो हो रहा है, जिसको हम डेली प्रोग्राम के अंदर जो है वो अक्सर यूज़ करते हैं। अब 48 है तो ये साथ उसका करेक्टर 0 जो है वो शो हो रहा है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट हम किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।